अगर आपके पास स्कूटी है, गियरलेस स्कूटी बोलते हैं, स्कूटर बोलते हैं, और कुछ टाइम चलने के बाद उसमें आवाज़ आना शुरू हो जाता है, रियर व्हील में आपको एक स्किकिंग नॉइस आवाज़ आती है, कट कट की आवाज़ आना शुरू हो गई है, और माइलेज आपको कम लगता है, पिकअप आपको कम लगता है, खिंचाव जिसको बोलते हैं कि खिंचाव आपको कम लगता है, उसके बाद हैंडल में वाइब्रेशन आना शुरू हो गई है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक ऐसी यूनिट के आसपास इर्द गिर्द घूमती हैं, सारी प्रॉब्लम्स जो शायद आपको पता ना हो। और इंजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि नया इंजन 40,000 किलोमीटर तक चल जाता है आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यही सारी प्रॉब्लम, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम इनमें से है तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए, आप देख लीजिए इस वीडियो में कि क्या प्रॉब्लम आपकी स्कूटी में आ रही है और किसकी वजह से हो सकती है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर जो करना चैनल को, और साथ में बेल आइकन आता है सब्सक्राइब करने के बाद, एक बेल शो होती है उसको क्लिक कर लें, अच्छा रहेगा, आपको नेक्स्ट में नोटिफिकेशन मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूंगा। तो फिर चलिए वीडियो देखते हैं फिर किस तरह से ये प्रॉब्लम्स सॉल्व आउट होंगी। तो ये है हमारा स्कूटी का सीवीटी, कॉन्टिन्यूस सीरीज ट्रांसमिशन क्लच, और इसके अंदर वो क्लच मैकेनिज्म है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो जो है वो बना चुका हूँ, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो देखने की सीवीटी किस तरह से काम करता है। तो आज मैं वर्किंग नहीं समझाने वाला, आज मैं समझाने वाला हूँ कि इसमें ऐसे कौन से पार्ट हैं जिसकी वजह से ये वाइब्रेशन, ये पिकअप, ये सारी चीज़ें जो इशू जो है वो क्रिएट होते हैं, नॉकिंग नॉइस, क्यों आवाज़ आती है स्कूटी में चलती बार, टक टक की आवाज़ क्यों आती है। तो सारे इशू जो हैं वो इसी सारी चीज़ में, इसी मैकेनिज्म में ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो लाई करती हैं। 70-80% प्रॉब्लम सारी यही में आती हैं, क्योंकि अगर हम नई स्कूटी खरीदते हैं तो नई स्कूटी का इंजन 40-50 हज़ार तक कोई दिक्कत नहीं करता है, तो इंजन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बाकी बॉडी पार्ट्स का कोई इशू नहीं होता है, बट जो मेन जो होता है वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है जो इंजन, मैं आपको पिक्चर में डिस्प्ले कर देता हूँ, तो जो चीज़ मेरे पास नहीं होगी मैं पिक्चर में डिस्प्ले कर दूंगा। यहाँ पे एक और ऐसे गोल सर्कल जैसे इस तरह का एक और यहाँ पे लगा रहता है, जिसके ऊपर एक बेल्ट जो है फिट रहती है, और उसको बोलते हैं वेरिएटर। तो वेरिएटर और वेरिएटर के अंदर गोल 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 जो है वो एक बॉल्स रहती है, जिनको बोलते हैं वेरिएटर बॉल्स। तो वो वेरिएटर बॉल्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएटर का काम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मेन चीज़ें हैं, एक हमारा ये बेल्ट, और अगर मैं असेंबली की बात करूं तो अंदर ये इस तरह से असेंबली है, और ये जो है वो सेंट्रीफ्यूगल जो यूनिट है, और सेंट्रीफ्यूगल यूनिट में जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो शू होते हैं ये लेदर होता है, और लेदर के बाद आप देखोगे कि मेटल जो है वो, ये एलुमिनियम का होता है, ये एलुमिनियम मेटल का होता है, तो ये मेटल शुरू हो जाती है। तो तीन है इसमें, 1, 2 एंड ये 3। तो होता क्या है कि जब ये लेदर घिस जाते हैं, वर्किंग मैंने कहा कि वीडियो में समझ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रहा हूँ, तो जब ये घूमता है, जब हम एक्सेलरेटर देते हैं तो ये घूमता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बाहर की तरफ एक्सपेंड करती हैं, और ये हाउसिंग को ग्रिप कर लेती हैं, जिसकी वजह से हाउसिंग घूमना शुरू हो जाती है, और जब हाउसिंग घूमती है तो व्हील जो है पिछले वाला घूमना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है, स्पेशली जैसे स्कूटी ज़्यादा लड़कियां वगैरह भी यूज़ करती हैं, तो वो भी क्या करते हैं कि लड़कों की बात करूं कि जो ब्रेक दबाकर जो है वो एक्सलरेट करते हैं, क्योंकि स्कूटी में ब्रेक दबाकर ही जो है वो स्कूटी स्टार्ट होती है। तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, कि ब्रेक दबाने पर ही स्कूटी क्यों स्टार्ट होती है। तो ब्रेक दबाने पर ही स्कूटी स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेक दबी हुई रह जाती है, और हम एक्सलरेटर करते जाते हैं, एक्सलरेटर जब करते जाते हैं तो ये ब्रेक शू जो हैं वो घिसते रहते हैं, सॉरी ब्रेक शू नहीं बोलूंगा इनको, क्लच शू जो हैं वो ये घिसते रहते हैं। जब एक टाइम ऐसा आता है कि पूरे घिसते 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 ये मेटल सरफेस पास आ जाता है, जिसकी वजह से ये मेटल जो है वो इसके साथ जो है वो रगड़ करना शुरू कर देता है, जिससे ये भी घिसना शुरू हो जाता है, और ये बिल्कुल जल जाता है, बिल्कुल बर्न हो जाता है, चिप्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब इसके लेदर खत्म हो जाते हैं उस टाइम पे ये इसके साथ जब ये टच करता है, रगड़ करता है, तो उस तरह से वो स्किकिंग नॉइस जो है वो इसकी वजह से मोस्टली जो है वो इसकी वजह से आती है। अब जब ये जो हमारे क्लच हुए हैं, जब ये खराब होते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो जितना पिकअप आना चाहिए गाड़ी का वो भी नहीं आता, क्योंकि यही जो है फिर फ्रिक्शन क्रिएट करके ग्रिप बनाते हैं इसमें। जब ये ग्रिप ही नहीं बन पाएगा तो स्कूटी को जो रियर व्हील को जो ड्राइव नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से पिकअप का भी इशू रहता है, और जब पिकअप नहीं मिल पाएगा, जब ये पिकअप नहीं मिल पाएगा तो माइलेज भी कई असर पड़ेगा, क्योंकि फ्यूल तो उतना ही जलेगा हमारे इंजन के अंदर, बट जलने के बावजूद भी रियर व्हील को ये उतना रोटेशन नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से
माइलेज पे भी असर पड़ता है। और ये तो हो गया वन पार्ट जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। दूसरा है हमारा ये बेल्ट जैसे मैंने कहा कि वेरिएटर के एक हिस्से पे अटैच रहती हैं और दूसरा हिस्सा जो है सेंट्रीफ्यूगल जो हमारा क्लच होता है सीवीटी उसके साथ अटैच रहती है। जब बेल्ट के ये टीथ जो है वो घिस जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि 14-15 हज़ार के बाद ही इशू क्रिएट होता है, 14-15 हज़ार जब किलोमीटर जब स्कूटी चल जाती है, हो सकता है पहले भी हो जाए, तो ये बेल्ट के जब टीथ घिस जाते हैं तो उस टाइम पे बेल्ट जो है वो स्लिप करना शुरू कर जाती है एट सम पॉइंट्स। तो जब ये स्लिप करती है तो मीन्स जो इंजन से पावर आ रही होती है वो रियर व्हील तक नहीं पहुँच पाती। जब ये बेल्ट स्लिप होना शुरू करती है तो पावर जो व्हील तक जानी चाहिए उतना व्हील तक पावर नहीं जा पाती, जिससे हमें लगता है कि हमारी स्कूटी में खिंचाव नहीं रहा, पिकअप नहीं रहा। तो दूसरा रीज़न ये होता है, तो बेल्ट हमें चेंज करवा लेनी चाहिए उस टाइम पे। और पहला तो मैंने बता ही दिया कि शू भी हमें चेक करवा लेने चाहिए, और ये दूसरा हो गया बेल्ट। तीसरा मैंने कहा कि जो वेरिएटर होता है जो लेफ्ट साइड में होता है, जैसे मैंने कहा पिक्चर डिस्प्ले करता हूँ, वेरिएटर की जो बॉल्स होती है अंदर छोटी छोटी बॉल्स होती हैं गोल, वो फ्लैट हो जाती हैं घिसने की वजह से। घिसता ही इसलिए क्योंकि उनमें धूल मिट्टी जमा होती रहती है, और जब धूल मिट्टी जमा होती है तो वो घिसना शुरू करते हैं। जैसे ही बॉल घिसना शुरू हो जाती है वो उनमें जो सेंट्रीफ्यूगल जो एक जो स्कूटी चलने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उस पर भी अप्लाई होती है, तो बॉल्स इस तरह से बाहर जाते हैं। पहले वो ऐसे होती हैं बॉल्स, चार पांच बॉल्स होती हैं, वो जब हम एक्सलरेट करते हैं तो बॉल्स इस तरह से बाहर जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल, सेम जैसे सीवीटी जाता है। तो बॉल्स के बाहर जाने से ही जो है वो हमें पावर जो है वो मिल पाती है इंजन की इस बेल्ट के ऊपर। अब जब वो वॉल्स ही खराब हो जाती हैं तो फिर हमें जो है वो सेम चीज़ जो हमारा वाइब्रेशन का इशू है वो शुरू हो जाता है। तो हैंडल में जब भी वाइब्रेशन आती है, तो मैंने कहा कि जैसे पहले बताया कि मैंने हैंडल वाइब्रेशन भी इसी से प्रॉब्लम, तो हैंडल वाइब्रेशन भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक एविएटर बॉल्स जो मैंने बताया, दूसरा बेल्ट, तीसरा सेंट्रीफ्यूगल जो हमारा क्लच है उसका जो यूनिट है इसके वियर एंड टीयर हो जाने से। और अगर ये फोर्थ वन अगर बात करूँ तो ये जैसे रिटेनर स्प्रिंग है, तो जब इसकी टेंशन कम हो जाती है, टेंशन मीन्स जो दबाव होता है इसके ऊपर, तो उसकी वजह से भी जो है वो वाइब्रेशंस इश्यू जो है वो क्रिएट होते हैं। तो ये भी चेक कर लेना चाहिए कि क्या इसका टेंशन जो है वो ठीक है, खिंचाव इसका जो है वो ठीक है, इसका हाइट ठीक है या कम हो गया है। तो ये चीज़ें आपको देखनी हैं, और बस यही था इस वीडियो में कि किस तरह से हमारा हैंडल वाइब्रेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। माइलेज, पिकअप, स्क्वीकिंग नॉइस, स्क्वीकिंग नॉइस मैंने बता ही दिया कि आपको जब ये मेटल घिसना शुरू हो जाती है इसके साथ, हाउसिंग के साथ। सो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सारी इसी यूनिट में जो हैं वो लाई करती हैं, सारी के सारी प्रॉब्लम्स। इंजन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती 40,000 किलोमीटर तक चलने तक, क्योंकि अगर नया इंजन है तो कभी भी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ये पार्ट्स जरूर चेक करवा लें। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, और न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।